अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सर्दी है जी, मैं छत पर आई हुई हूँ यहाँ पर, तो या आज ना बहुत ज़्यादा धुंध है, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा धुंध है। किस किस के सिटी में है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सब बच्चों को छुट्टियाँ हो गई थी सर्दियों की, जो लास्ट पे होती हैं विंटर वेकेशन, और इस वजह से तो हम ना 9 बजे सब बच्चे उठते थे, फिर नाश्ता करते हैं और फिर जाइए मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। बस यही छुट्टियों में ना बस हुई पड़ी है लाइफ, और काफ़ी सर्दी भी है। हम बच्चे छुट्टियों में एंजॉय भी कर रहे हैं और ना सर्दी भी है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी धुंध है, दूर दूर तक तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। वैसे मैं छत पर आई हुई थी कुछ काम, तो मैंने कहा आपके साथ भी थोड़ी सी वीडियो शेयर कर देते हैं। हम रात को लॉक लगा लेते हैं अंदर। अब चाबी नहीं उतरेगी, इतनी ठंडी हुई पड़ी है। सर्दी बहुत थी तो हमने कहा कि आज हम ना हमने अम्मी को बोला कि आज ना हमें हलवा बना दे, इतनी सर्दी है काफ़ी। तो ये मोटा आटा है गंदम का, और यहाँ पर जी पहले हमने देसी घी डाला है, फिर हमने यही आटा आधा आधा करके इसमें हमने डालना है। तो ये आटे की ना अम्मी भुनाई कर रही है, और ये आटा हमने डाला है, इसकी भुनाई हमने करनी है, और पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं हलवे की, कि ये हलवा हम कैसे बनाते हैं। इसमें गुड़ भी डालना है हमने, पहले आटे की भुनाई हो रही है तो फिर हम गुड़ और फिर ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं। तो इस आटे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसकी भुनाई हो रही है साथ साथ। यहाँ पर जी आटे की भुनाई हो चुकी है, अब हम गुड़ डालने लगे हैं। आटे का इस तरह का कलर हो गया है ब्राउन ब्राउन, और अब हमने गुड़ डालना है। और यदि सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, पीनट्स, ये गिरी पड़ी हुई है, और ये बादाम, ये भी हम हलवे में डालेंगे। हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। किशमिश, गिरी, बादाम और पीनट्स भी डाले हम। बस अब हम मिक्स करेंगे। और अब जी ये बन चुकी है, तो अब हम प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये देखिए जी ड्राई फ्रूट्स वाली पंजीरी बन चुकी है। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको कैसी लगी है। तो मिलती हूँ मैं आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।